साल जुलाई और अगस्त के दौरान हिंदू देवता शिव के भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाते हैं। इन्हें कांवड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों की पिटाई कर रहे इन पुलिस कर्मियों का वीडियो कोलकाता का बताकर शेयर किया जा रहा है। दावा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर कोलकाता पुलिस कांवड़ यात्रियों की पिटाई कर रही है। इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर वायरल है। क्या है इस वीडियो की असलियत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में लोग बंगाली में बात कर रहे हैं, यानी ये वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। ट्विटर पर सर्च करने पर हमें अगस्त 2021 के कई ट्वीट्स मिले, जिसमें ये वीडियो कोलकाता के भूतनाथ मंदिर का बताया गया है। बीजेपी बंगाल ने भी 2021 में ये वीडियो ट्वीट किया था। TV9 भारतवर्ष सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने इस वीडियो के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में शामिल तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती है। दैनिक जागरण के आर्टिकल के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भूतनाथ मंदिर बंद था, लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर भक्त इकट्ठा हो गए, जिसे देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। गौर करें कि इन रिपोर्ट्स में भक्तों को कांवड़ यात्री नहीं बताया गया है। वीडियो में एक बोर्ड पर अहिरी टोला घाट बचाओ कमेटी लिखा है। स्ट्रीट व्यू की मदद से ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह वीडियो अहिरी टोला घाट का है। ये घाट भूतनाथ मंदिर के सामने है और लगभग 650 मीटर की दूरी पर है। सनमार्ग की इस रिपोर्ट में भूतनाथ मंदिर के अधिकारियों के प्रतिनिधि महेश ठाकुर ने बताया था कि इस घटना को आधारहीन राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, जबकि ये घटना मंदिर के सामने नहीं हुई थी, बल्कि अहिरी टोला रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी। तो जैसा कि आपने देखा, ये पुराना वीडियो हाल में ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रियों की पिटाई करने के झूठे दावे के साथ शेयर किया गया।